हाय एवरीवन, दिस इज डाइटिशियन नीना सेठ। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक हेल्दी रैप, और इस रैप को आप टिफिन में भी कैरी कर सकते हैं, इस रैप को आप डेली में यूज़ भी कर सकते हैं। हम अगर थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों को बदलते रहें ज़िंदगी में तो हमारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो जाता है, और इस तरीके से अगर हम टेस्टी वर्जन्स अपनाते रहें और वही अपना फूड खाते रहें जो हमें पसंद है और उसका हेल्दी रूप में हम उसको बनाते रहें, तो बहुत ही अच्छा हमारा लाइफस्टाइल भी रहता है और हमारी हेल्थ भी। इसीलिए मैं कहती हूँ एक्सरसाइज करते रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अच्छा, मेरे चैनल पे जो लोग आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को किचन में लेके चलती हूँ और आप लोगों को ये हेल्दी वर्जन ऑफ रैप बनाकर दिखाती हूँ, जिसको मैंने अपने अलग स्टाइल से बनाया है और बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाया है। तो आइए चलते हैं किचन में। तो मैं बना रही हूँ आपके लिए ये ट्रेंडी वेजिटेबल रैप, और इसके लिए मैंने होल व्हीट फ्लार लिया है, जिसे हम चपाती के लिए यूज़ करते हैं। और उसी होल व्हीट फ्लार से हम चपाती के लिए जैसे डो बनाते हैं वैसे ही डो बना लेंगे। ये देखिए, बहुत ही मुलायम सा एक डो बना लेंगे और उसे 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और अब इस डो से हम चपाती बना के सेक लेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, बस थोड़ा सा इसे हमने पतला रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रंची बनता है जब, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो अब हम इन सारी रोटियों को सेक लेते हैं। तो इस तरीके से दबा दबा के मैंने सारी रोटियां बना ली हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से बन रही हैं, और इस तरीके से अब बन गई। और अब मैं बनाती हूँ इसके अंदर की स्टफिंग, जिसके लिए मैं ये जो अनियन है उनको मैंने काट लिया था और उनको मैं रोस्ट कर दे रही हूँ, साथ में ही जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दे रही हूँ, और इसमें मैं तीनों कलर की कैप्सिकम डाल दे रही हूँ। आप अपनी पसंद की भी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे मैंने इसमें कैरेट डाल दी है और साथ में ही ग्रीन चिली भी डाली है, और हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ और ब्लैक पेपर, और इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ में ही स्प्राउट्स डाल दिए हैं और थोड़ी देर कवर करके रख दिया। अब ये देखिए, बहुत अच्छे से ये बन चुका है, और साथ में ही इसमें मैंने लेमन स्क्वीज कर दिया है, और अब मैं गैस बंद कर चुकी हूँ। अब मैं बनाऊँगी इसके लिए एक और स्टफिंग, जिसके लिए अगेन मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़े से ऑयल में डाला है, ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और इसमें मैंने अनियन और तीनों कलर के कैप्सिकम डाले हैं, और साथ ही कैरेट डाली है जिसे मैंने बहुत अच्छे से कट कर रखा है, और साथ में ही हम इसमें डालेंगे कैबेज भी। और ये देखिए, बहुत ही कलरफुल स्टफिंग बन गई है, जिसमें हमने हिमालयन पिंक सॉल्ट और पेपर डाल दिया है, और साथ में ही थोड़ा सा चाट मसाला, और इसका टेस्ट तो इतना अमेजिंग आता है कि आप बाज़ार वाला रोल भूल जाएंगे और आपकी क्रेविंग्स बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड होंगी। अब इसमें से आधी स्टफिंग मैं निकाल ले रही हूँ, उसमें मैं एक सरप्राइज इंग्रेडिएंट डालने वाली हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा घर का बना हुआ पनीर डाल दिया है, आप टोफू भी डाल सकते हैं। अब हम बनाते हैं इस रोल को, और इस रोल के लिए मैंने रोटी ली है, और उसमें मैं जो सबसे पहले वाली स्टफिंग बनाई थी वो डाल रही हूँ, और उसके ऊपर मैंने चटनी डाल दी है, ग्रीन चटनी घर की बनी हुई है, कैरी और मिंट और धनिया की चटनी है, और साथ में ही कुछ धनिया के पत्ते। और इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट रैप बन जाता है। और अभी मैं इसका कुछ और भी करने वाली हूँ, तो इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। और अब मैं सेकंड रैप बना रही हूँ, जिसमें मैंने बेस में चटनी लगा दी है और सेकंड वाली स्टफिंग मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसको भी अब हम फोल्ड करके रैप कर लेते हैं, और हमारी सेकंड रैप की भी कंप्लीट हमारी पैकिंग हो गई है। और अब मैं बना के दिखाती हूँ आपको थर्ड रैप, जिसके मैंने पिज़्ज़ा कटर से थोड़ा थोड़ा कट कर लिया है, सारी रोटी नहीं काटनी है, थोड़ी थोड़ी सी कट करनी है बस, जितनी हमने फोल्ड करनी है। और इसमें मैं डालूँगी हीरो इंग्रेडिएंट जो हमारे बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो ये मैं मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ, और ये मैं बच्चों के लिए ही बना रही हूँ ये वाला। और ये इसको अब हम फोल्ड कर रहे हैं, और ये बहुत ही टेस्टी बन लगता है, और बच्चे पिज़्ज़ा को भूल जाएंगे अगर आप इसे बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं इसे ग्रिल पैन में बहुत हल्का सा मैंने ब्रश किया है ऑलिव ऑयल, और इनको मैं रोस्ट करने वाली हूँ इसमें ग्रिल मार्क आने तक, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। ये देखिए, इसमें ग्रिल मार्क आ गए हैं, और बाकी जो मैंने और बनाए हैं उनको भी
अब हमने बना लिया है। तो ये देखिए लग रहे हैं ना माउथ वाटरिंग, तो जल्दी से बनाइए। तो देखा आपने कितना टेस्टी और हेल्दी रैप बन गया, और बस थोड़े से हमारे एफर्ट की ज़रूरत है। और इस तरीके से आप थोड़ा सा चेंज करेंगे अपनी चीज़ों में तो बहुत ही अच्छे से आप अपनी फेवरेट चीज़ को बहुत ही हेल्दी वर्जन दे सकते हैं। और इस रैप से आपको मिलते हैं बहुत सारे विटामिंस, फाइबर, और आपके डाइजेस्टिव इश्यूज भी सॉल्व हो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड की है, क्योंकि बेल आइकन के बगैर नोटिफिकेशन नहीं आती है। और आपके सजेशंस और आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि आपको और कौन सी रेसिपीज़ देखनी है हेल्दी वर्जन में मेरे इस चैनल पे। वेट लॉस रेसिपीज़ के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, डाइटिशियन नीना सेठ के नाम से वो चैनल है। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बरकरार रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।